इतना सूजा हुआ था बहुत ज्यादा, यानी डॉक्टर लोग बता रहे थे कि कैंसर से पूरा जकड़ा हुआ है। हाँ, कहा जैसे ब्लड कैंसर की वजह से सूजन है। अच्छा, ब्लड कैंसर की वजह से सूजन है, आखिरी स्टेज बता दिए थे रिपोर्ट में। हाँ, रिपोर्ट में लिख रहा था कि ब्लड कैंसर की वजह से सूजा हुआ है। अच्छा, लगभग लगभग 80-90% सर ठीक हैं, अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो परिवार ने, सभी लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, गाँव वालों ने, सभी लोगों ने उम्मीद छोड़ दी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इस समय मऊ जनपद के बुधनारी गांव में आए हुए हैं और आपके सामने हमारे एक पेशेंट हैं जो कैंसर से पीड़ित थे और इनके पार्ट घुटने से लेकर के इसके मज्जे में, यहाँ इस पार्ट में था जो पूरी तरह एकदम कड़ा हो चुका था और स्वेलिंग थी। आप इन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि कहाँ कहाँ इन्होंने इलाज कराया, कैसे कैसे इनको लाभ मिला ना मिला, कैसे अपने जीवन से नर्वस हो चुके थे। सर आप बताइए अपना नाम। दीपचंद चौहान। दीपचंद चौहान, आपके ग्राम का नाम? बुधनारी। बुधनारी जनपद मऊ है। जनपद मऊ। सर आप कब से इस चीज का इलाज कराए थे अपने कैंसर का? अरे चंडीगढ़ में बहुत परेशान रह गए, जब गए नहीं थे, फिर हुआ था एकदम समझ लग बहुत बुरी हालत हो गई। जी जी, फिर वो करीब बाद चंडीगढ़ में आपने इलाज कराया था? हाँ, कितने दिन तक? अरे टेस्ट कराने कम से कम 4-5 महीना था। जी जी, हो गल ना। जी, फिर 4-5 महीना के बाद फिर हुआ था, बहुत बुरी हालत हो गई। डॉक्टर क्या बोल रहे थे? कहो कि करो इलाज, देखो सही होगा कि नहीं, गारंटी नहीं। मैंने गारंटी डॉक्टर नहीं ले रहे ना, गारंटी ना, हमारे समझ में नहीं आ रहा है भाई, बहुत समझ लो कि बहुत बुरी हालत हो चुकी है। किस पैर में था? दाहिने पैर में। अच्छा, ये दाहिने पैर में, आप बताए क्या हुआ था? ऐसे कड़ा हो गया था पूरा, बिल्कुल कड़ा ना रहा, सूज गया था पूरा। कितना सूजा हुआ था? बहुत ज्यादा, यानी डॉक्टर लोग बता रहे थे कि कैंसर से पूरा जकड़ा हुआ है। हाँ, जैसे ब्लड कैंसर की वजह से सूजन है। अच्छा, ब्लड कैंसर की वजह से सूजन है, आखिरी स्टेज बता दिए थे रिपोर्ट में। हाँ, रिपोर्ट में लिख रहा था कि ब्लड कैंसर की वजह से सूजा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, सर ये सब दवाई कराने के बाद, इलाज कराने के बाद आप अपने जीवन से नर्वस हो चुके थे, डॉक्टर लोग ने गारंटी भी नहीं लेना छोड़ दिया था कि ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा। तो इसके बाद आपने कौन सा इलाज कराया जिससे इस समय आप आराम महसूस कर रहे हैं? पता लगा किसके माध्यम से? इन्हीं की वजह से। आप हरिनारायण जी के माध्यम से? हाँ। चलिए अच्छी बात है। कौन कौन प्रोडक्ट आपने खाया, थोड़ा निकालिए हाथ से अपने। ये आपने प्रोडक्ट चलाया? अच्छा, जैसा दोस्तों आप लोग देख रहे हैं आपके सामने, आपको इम्युनोडॉक, नोनी और सिबोडॉक और तुलसी दिया गया था और लगभग कंटिन्यू 4 महीना इन्होंने यूज किया। 1 महीने के बाद इनको आराम महसूस होने लगा, आज इसमें बिल्कुल फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। चलिए लगभग लगभग 80-90% सर ठीक हैं, अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 महीना इन्होंने इलाज कराया है आयुर्वेद का, हमारे SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो प्रोडक्ट आप अपने सामने देख रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। तो मैंने जब इनको दिया, आपको बताया सर, हम लोग आकर के जब देखें इनकी हालत, तो विश्वास तो बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन फिर हमने सोचा कि चलिए देते हैं, जब सब पर काम कर रहे हैं तो इन पर क्यों नहीं काम करेगा। और देखिए यह प्रोडक्ट जो इम्युनोडॉक, नोनी और सिबोडॉक, तुलसी दिया गया, आज उससे जो है कि आज अपने परिवार के साथ खुशी से रह रहे हैं। नहीं तो परिवार ने, सभी लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, गाँव वालों ने, सभी लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन आज जो है कि सभी लोग खुश हैं।